रुक्मिणी को इतना समझा कि भगवान श्री कृष्ण सोने चांदी के बर्तनों में 36 प्रकार के भोजन लेके और जूनागढ़ में उस नाई के पास आते हैं जो बात की चिट्ठी लेकर आया था और उसने भोजन परोसते हैं और जब भोजन डाला सोने चांदी के बर्तनों में तो नाई ने कहा भाई तू कौन से कि मैं उस नरसिंह सेठ का नौकर हूं और आप भोजन करो। और एक बात के द्वारा क्या क्या कहते हैं क्या बता बोला नौ बोला रामा नौ कर नरसी सेठ का के मेरे दिन भोजन में तेर मन मारे पीते नौकर नरसी सेठ का भोजन उसकी वो रात रचो देखो ढाई उसकी वो रात रचो देखो ढाई अरे देख कड़वी कड़वी गाई देख कड़वी कड़वी गाई वो शेर तो बोले रे वही भोजन में तेरे मारे पीते तो मैं शान जमन रे छुपा दे अरे नौकरी थे मन हटा दे नौकरी थे मन हटा दे दिन दुनी तक खोले कोई भोजन में श्री कृष्ण मान जथे थाली जुटी अरे नो बोला आबर झूमुची नो बोला आबर झूमुची तुरा सुख रे अरे बता दिए सावल सा नाम सावल सा मेरा नाम फिर खपा ना हो रहा